मैसेज एक मैसेज देना चाहता हूं कि जहां इस कॉन्फ्रेंस में आपके बहुत से मौजूदात पर मसाइल को समाप्त किया है, आप अपने अकीदे और ईमान पर कायम रहें। हमारा मजहब हमारा मसलक नहीं है, मसलक महदविया नहीं है, मजहब महदविया है, कौमे महदविया है, कौमे महदविया की दलील भी कुरान साबित है, फसौफ याति बिकौमिही, ये कौमे महदविया है, ये कौम खत्म होने वाली नहीं है। और मैं इसका सबूत देता है कि फिलहाल ने अर्ज किया, मैं कुरान से सबूत देकर जाऊंगा। ये घबराना डरना छोड़ो, कब तक डरोगे, कब तक सवालों से घबराओगे? अरे हम भी तो सवाल कर सकते हैं, हम में तो इतनी जरूरत नहीं है। आप घबरा जाते हैं, नहीं उन्होंने ये सवाल किया, अरे आप जो सवाल किया है उससे भी तो सवाल करो। वो कहता है मैं अहले हदीस हूं, आप फौरन जवाब दो कि तू सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा झूठा है। आपसे वो पूछ कहता है वो कहा है, तो पहले आप उसको पूछो कि कुरान में अहले हदीस कहां। चलिए और नीचे आ जाते हैं, पूछो उनसे ये अहले हदीस कहते हो, कम से कम हदीस में तो बता दो अहले हदीस लिखा हुआ है। अरे पूछो उनसे, कब तक खामोश रहेंगे, कब तक सुकून तारी। यकीनन हमारी तालीमात में ये बात है कि शैतान पर भी लानत लगती है। मैं समझता हूँ मौजूदा दौर में थोड़ा ये नुकसानदेह बात हो रही है, इन पर लानत तो नहीं, ये लानत के लिए लायक नहीं, लेकिन नौजवान खास तौर पर इस बात को याद रखे, ये जाकिर नायक से बड़े मुतासिर, माफ फरमाना, अल्लाह का फजल है कि अमेरिका जैसी इस मुल्क में हजरत मुर्शिद साहब जिंदा मौजूद है, लेकिन आज हर जगह का मुर्शिद इंटरनेट नेट के जरिए दीन सीख रहे हैं। ये कैसी बेदीनी है, दीन सीखिए अपने मुर्शिदीन से। जाकिर नायक से मुतासर, अरे जरा मालूम करो बेचारा है, वो बेचारे का क्या अकीदा है। वो कहता है कि खुदा अपना चेहरा दिखाएगा, खुदा को उसने मुजस्सम कर दिया, मुशक्कल कर दिया। उसने अपने एक लेक्चर में साफ कहा है कि अल्लाह को अल्लाह का चेहरा है, हम अल्लाह के चेहरे को देखेंगे। उस पर भी बस नहीं किया, मजीद बता कि अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह तख्त पर विराजमान रहेगा। इस तरह उसने अल्लाह के तौहीद के अकीदे के ताल्लुक से फिरके मुजस्सिमा की तकलीफ की है, जिसको जमूर और वाइसलाह ने काफिर करार दिया। आप वो मुशरिक कहूंगा मैं, उससे आप इस्लाम सीख रहे हैं। याद रखिए आपके पास कुरान मौजूद है, आपके पास महदी माऊस की तालीमात मौजूद है, सब कुछ घर में है, क्यों घर में नहीं नजर डालते, क्यों आप मुतासर होते हैं? आप अपने ईमान को संवारे। और एक बात कहूं, कयामत तक महदियत रहेगी, कुरान से मैं साबित करके अपनी जगह लेने वाला हूं, जब तक मैं अपनी बात खत्म नहीं करूंगा। कयामत तक महदियत बाकी रहने वाली है। आप समझते हैं ये चार पलट गए, आठ आ गए, वो आ गए, ये पलट गए, ये तो पतझड़ का मौसम है, पत्ते तो झड़ते रहेंगे। अब आपके पास भी समर आ रहा है, नए पत्ते उगने वाले हैं, आप भी अपने अंदर ईमान के नए पत्ते उगा कर जाओ। झड़ने वाले हैं और बड़े नादान ना समझ हैं। अब अगर मैं इनके बारे में कहूंगा तो बड़ा मजाक हो जाएगा, माफी चाहता हूँ। बस मैं ये साबित कर दूं कि कुरान से साबित है कि मैं दिया का कयामत तक बात है। क्या परवरदिगार आलम फरमा रहा है, बसौ फयातिल्लाह लिकौमिही युहिब्बुहुम व युहिब्बुना, युहिब्बुहुम व युहिब्बुना। अल्लाह उस कौम से मोहब्बत करती है और वो कौम अल्लाह से मोहब्बत करती है। यहां परवरदिगार आलम ने फेरे
محبت کرتا ہے کرتا رہے گا وہ قوم محبت کرتی ہے کرتی رہے گی تو جب تک اللہ ہے جب تک اللہ ہے ارے جواب دو جب تک اللہ ہے ہم باقی ہیں ہم باقی ہیں میں بھی باقی رہنے والے کبھی ہر چیز نہیں ملیں گے یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرانے والے بہت ڈراتے ہیں میں سپر پاور ملک میں پورے پاور سے بات کر رہا ہوں اور اپنے ہر لفظ کا میں ذمہ دار ہوں کہ ہمارا مذہب توحید کا مذہب ہے کہا جاتا ہے ان کے پاس توحید نہیں ہے کہ تین خداؤں کو خدا مانتے ہیں فلاں فلاں ارے اب میں کیا سمجھاؤں کہ وما رمیت اذ رمیت سمجھ کر آؤ قرآن کی آیت ہے وما رمیت اذ رمیت اللہ کا رسول کنکریاں پھینکا اللہ نے کہا محمد وہ کنکریاں تم نے نہیں ہم نے پھینکی ہے اب میرے سے ذرا سا مجھے تشریح کر دیجیے کہ وہاں دو خدا ہوئے یا ایک خدا ہوا وہ سمجھ جاؤ گے میرا بیان یہی ہے ذات محمد سمجھو گے تو مقام مہدی سمجھو گے وما رمیت اذ رمیت سمجھ جاؤ گے تو خدا ہو تو خدا کو دیکھے وہ بھی سمجھ جاؤ ہزار محترم خاص طور پر قوم افغان کی خواتین سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو عالم اسلام نے ایک سبق سکھایا کہ امام مہدی امامت کریں گے معاف فرمانا